हेलो स्टूडेंट्स जोहार। हम डॉक्टर अनुपमा मिश्रा, लेक्चरर मारवाड़ी कॉलेज रांची, विषय नागपुरी। आज हम रोरमन के चक्री उपन्यास कर अगला भाग के पढ़ा। पिछला भाग में रोरमन जान ली कि कैसे सीताराम, जो कि कृपाल सिंह का बेटा है, रांची में अपन नाम रांची कॉलेज में लिखालक और लालू से भेंट करे गेलक। उके डर रहे कि लालू उकर से उकर बाप कर अपमान कर बदला लेवी, मुदा लालू उके अपन भाई नियर मानलक और सब बरन कर सहायता करे बात कहलक। अब आगे, रात कर 9 बजत रहे और सीताराम कर पता नहीं रहे। से चारे उकर बहिन बसंती और धांगर बुधवा चिंता से व्याकुल रहे। दूरा के ओठंगाय के बसंती कुर्सी में बैठ के बिजली बाती कर इंजोत में कोनो किताब के खाली उल्टेक पलटेक में लाइक रहे। पढ़ेक में उके मन का लगी, हर घड़ी एके चिंता रहे, दादा एखन आलें, दादा एखन आलें। वह ठाँव एकरा धांगरो मन मार के बैठल रहे। बुधवा अंसाय के कहलक, का मैया, सीताराम बाबू तो कहियो ऐसा देरी नहीं करत रहे। ना उनकर कोनो संगी साथी मन है जे बेराव कर ख्याल नहीं करे, ना ऐसा संगी साथी मन से दूरे रहे चाहिए। आवेक दो मोए तो कहल बेगर नहीं मानू। ओठंगाल दुरा हुड़हुड़ालक और उकर उघरते सीताराम भितरे ढुकलक। बुधवा तो अगाड़िए तैयार बैठल रहे। बसंती गोसाए के टेबुल में मुड़ के सटाए के सूते कर बहना बनाए दलक। बुधवा पूछलक, का बाबू काल इतना देरी, कौन संगी भेटाए रहे जे बेराव कर ध्यान नहीं रहलक। ऐसा संगी साथी मन के छोड़े के चाहिए। ई उबार करेक वाला नहीं मुदा बुड़ाएक वाला संगी मन होबन। नहीं हो बुधवा, ऐसा कोनो बात नखे, देरी तो संगीय कर चाड़े होलक मुदा उबुड़ाएक वाला नहीं उबराएक वाला है के। का बसंती पढ़ते पढ़ते सुत गेले, सीताराम ऐसा कहते कहते बसंती ठीना पहुँचलक और उके उठाए के लागल। बसंती टेबुल उपरे मुड़ी के सटाले बारी कहे के लागलक, जौ रौरे ओहे संगी जगन जे रौर के उबराई। एखन तक उसने संगी के खोजत फिरत रही, हमरे कर संगे रौर के उबरेक कर मौका नखे। ई समझ के कि ढेर देरी होवल से बसंती तनी बगरे गोसाए जाहे, सीताराम बड़ा होई के भी उके मनाए के लिए कतना खुशामत करलक, मुदा बसंती टस से मस नहीं। अब सब बात के खुलासा बताए छोड़ के सीताराम कर आगे कोनो दोसर उपाय नहीं रहे। एहे चारे उ बसंती के सब बात के खोल के पूरा पूरी बताए दिलक। बात के खुलासा जान कर जानल बात बसंती कर मन तो साइंत होलक, मुदा बुधवा कहलक कि रौरे के का समझ होलक जे मंगरा किसान के जे रौर मनक रैयत है के उकर बेटा ठीन गोठियाए के लिए अपने चल गेली। अगर बड़ गोम के सुनबें हले काई के पतियाबें। अपन बाबा का नाव आते सीताराम तनी समझाए के बुधवा के कहलक, देखो बुधवा ई हमरे मन कर खास बात है के जे शहर में रह के और कॉलेज में पढ़ के करेक होबेला, ई चारे इकर जिकिर तो हमर बाबा ठीन ना करबे। ठीक है बाबू, अगर जे मोर जिकिर कलर से रोर काम बगड़ी होल मैं चुपे रहूँ तगे, तब अब खाए पिए खाए कि ओहो निमराय के आही। नहीं नहीं चल तो भातियन के हेर, हमरे दुए जन मुड़ हाथ धोए के आवत ही, मुँह हाथ धोए के आवत ही, खाल पियल निमरल बादे सब अपन अपन डिसना में सुत गए। कॉलेज में दसई परब का छुट्टी करीब 1 महीना 5 दिन होलक। सब पढ़ैया मन अपन अपन घर जाए कर इंतजाम करे लागलें। सीताराम अपन बहिन और धांगर संगे एक ठो मोटर गाड़ी में अपन सामान मन के लदवाए के बैठ गेलक और मोटर गाड़ी कर खुलखें बेरा लालू पहुँचलक और अपन तनी कुन ओढ़ना डिसना कर मोटा के गाड़ी में लेके लटक गेलक। भीड़ ई रकम रहे कि गोड़ राखे के बिठाव नहीं रहे। लालू बरियार आदमी रहे से चारे सोब के टायर के भीतरे समस गेलक, मुदा अनैत दिक्कत से एक गोड़ में ठाड़ रहे और ऊपरे लोहा कर लागल डंटा के एक हाथ से कपकपाए के धैर रहे। का लखे तो सीताराम कर ध्यान लालू बट गेलक, उके दिक्कत से ठाड़ होवल देख के अपन संगे बैठे के लिए बोलालक। लालू कोनो तेर समस के सीताराम कर संगे बैठ गेलक। अब लालू कर सांस में सांस घुरलक। ऊ रहे तो गरीब किसान कर बेटा और खाएक पिएक भी कोनो तेर चलत रहे, मुदा भगवान कर देल गतर बाँह नाक मुँह बेस रहे। रंग तेल सांवर रहे मुदा गतर हर बेस भराल रहे। बसंती जे दिन से सीताराम कर मुँह से लालू कर बात सुन रहे वही दिन से उकर मन में उके देखे कर इच्छा रहे, मुदा कहे तो का कहे और के कर से कहे। से चारे मन कर बात माने में राख के मटियाए रहे। भगवान कर माया
आज मोटर गाड़ी में बैठले बैठल उकर से भेंट हो गल। बसंती अगाड़ी सीट में बैठल रहे से के बताए के लालू से सीताराम कहलक, उ मोर छोट बहिन बसंती है के ओहो मोर संगे रहेला और कॉलेज में पढ़ेला। बसंती के चाल कर के ई कह दिलक, देख एहे लालू है के। बसंती और लालू एक दूसर के जोहार कर लें। बसंती कर मन में लालू से बात करे तो इच्छा रहे, मुदा भीड़ के देख के वो चुप रहे। लालू और सीताराम का ही जाही बतियाते उ ठाव पहुँच गए जे ठाव में उमना कर उमन के गाड़ी से उतरे के रहे। मोटर गाड़ी ठाड़ होलक और उकर से चार जन उतर गए। सीताराम और बसंती के ले जकले एक ठो सुंदर एखन गरु गाड़ी सड़क के किनारे ठाड़ रहे। देखते देखते उमन कर सामान गरु गाड़ी में लदाए गए। दुयो भाई बहिन गरु गाड़ी में बैठ गए और गाड़ीवान गरु के खेते गांव कर डहर सोझालक। बुधवा भी गरु गाड़ी कर संगे चले लागलक। लालू आगे हैं अपन मोटरी गठरी के बोई के हिंटते जात रहे। सीताराम का नजर उकर ऊपर पड़लक। उ गाड़ीवान से गरु गाड़ी रोकवालक। लालू ठीना पहुँचलक और कहलक, मोए तो सामान मन के मोटर गाड़ी से उतरवाक में तो के भुलाइए गेलो और तोय हिसकी चुप्पे से खसक दिले। चल अब गाड़ी में बैठ तो जाए खूबी। लालू कतना समझालक मुदा सीताराम माने के लिए नहीं तैयार होलक। आखिर हार मान के उ गरु गाड़ी में बैठ गए। लालू कहे लागलक, भाई सीताराम शहर और देहात कर चाल चलन में ढेर फर्क होवेला और उके हमरे मन के नहीं भुलाए के चाहिए। शहर में जे आइज है काल नहीं रही, हुआं छोट के बड़ और बड़ के छोट होवे में देरी नहीं लागेला। छोट बड़ होलक कि उकर आदर मान बढ़ जाएला, एहे नियर बड़ छोट होलक तो सब के छोड़ देवे ना। मुदा गांव गाँवें है के हियाँ ये सब नहीं चलेला। जे आइज है ओहे काल रही, जे छोट है गरीब है उ हर जोतवा है उके अपन जिंदगी बदले कर कोनो हक और उम्मीद नखे। तो ये तो ठीक कहले लालू भाई, मुदा ये सब ज्ञान और विद्या कर कमी के चारे जुन होए। अज्ञान और अशिक्षित गंवार देहतिया आइज काल कर फर्क का नियर समझ में जे हो। मुदा हमरे के तो गांव में एखन गंवैया मन कर जिंदगी ही जिये है। जेखन मोर तोर और बसंती नियर पढ़ल आदमी गांव में भर जाबे से खन केखो समझाएक बुझाएक बात नहीं होवी, सब अपने ठीक हो जाई। आज तोर गरु गाड़ी में मोके बैठल देख के गंवैया मन कहबे का कहबे जानिसला, एहे नी कि देखला लालू दुई अक्षर पढ़े का जानलक इकर पाई खोकर गेलक। से चाड़े मोए तोर बात के मान के तोर संगे तो बैठ गेलो, तोखो मोर बात मानखे पड़ी कि गांव का सीमा पहुँचते मोए गाड़ी से उतर जामू। ई बात तोके मोए अपन के बड़ भाई जान के कहत हों और तोके बेगर हिला हुजैत के मानखे होई। बसंती जे लालू कर बात के बड़ा ध्यान से सुनत रहे, कहलक, दादा जब लालू जुगत कर बात कहत है तब उकरो बात के मान लो। गांव कर सीमान पहुँचते लालू गाड़ी से उतर गेलक और अपन मोटरी गठरी के बोह के घर का डहर सोझालक। बसंती गाड़ी में बैठले बैठे सोचे लागल, लालू है तो गांव कर एक ठो गरीब किसान कर बेटा, मुदा कितना बुधगर है। बुध कर धनी इखे जुन कहे ना, आदमी मन कर माइन डाइन ठाव जाइन के कतना तरीका से देवल और करल जाएला उ जतना जानेला हमरे के ज्ञान नखे। ये सब पढ़ाई कर प्रभाव है के और कोनो नहीं। आदमी मन कर कहे कि जन्मे से कोई आदमी कर किस्मत बनेला, जे बड़ घर में जन्मेला वो बड़ और जे छोट घर में जन्मेला वो छोट, कतना गलती बात है के ना जाने। लालू जे इतना बुद्धिगर है पढ़ लिख के कतना बड़ आदमी बने, जे भी हो भगवान उके सहाय हो जेकर से इकला उकरे नहीं मुदा औरों मन के जिंदगी में सुधरायक लेकिन डहर भेटाई। सीताराम लालू कर व्यवहार के देख के अपन मने लजाल रहे। उ सोचत रहे कि जमींदार कर रुआ हमरे मन कर व्यवहार के कहाँ से कहाँ पहुँचाए दे है, इके सुधराय के उपाय करखे होवी तबे पढ़ल कर मोल होवी। गरु गाड़ी डेवड़ी पहुँच गए। जमींदार अपन दलान में बैठल रहे और बड़का नली कर हुका के मसलंद में उठें के गुड़गुड़ात रहे। उनके खबर रहे कि उनकर बेटा बेटी पहल धाव शहर में रह के आवत हैं। अपन बेटा बेटी के कुशल से पहुँचल देख के उनकर खुश होवे ठीके रहे। दुयो भाई बहन गरु गाड़ी से उतर के अपन बाबा कर गोड़ के छुई के उनके गोड़ लागलें और आशीर्वाद ले लें। बकरी भितरे उमन कर माए भेंट करे के लिए व्याकुल रहें, भला कहियो कर नहीं छोड़ल छुआ मने। शहर में कान निकाते रहत रहें, दुयो छुआ के नीके देख के उनका हृदय जुड़ गेल। दुयो भाई बहन अपन माए कर गोड़ छुई के गोड़ लागलें और उनकर हों आशीर्वाद ले लें।
छुट्टी भर बसंती लालू से भेंट करे नहीं पारलक, काले की उके बकरी से निक से करगाड़ रहे। सीताराम बोलते टहलते लालू कर घर जाए और उकर हाल खबर लेके आवे। वो बसंती के बतालक कि लालू दिन बेरा अपन बाबा कर खेती बाड़ी कर काम के संभरायला और रात बेरा माटी तेल कर ढिबरी में पढ़ेला। सीताराम और बसंती कोनो बेरा पढ़े बैठल हैं तो ऊ मन कर माए बाप कहें तोहरे मन शहर में रह के तो पढ़ते जुन रहला, दुई दिन का छुट्टी में घर आहा तो तनी हंसा खेला बोला बतियावा और निफिकिर रहा। दसई कर जतरा जमींदार कर डेवढ़ी में लागत रहे से ऊ बरिस तनी बढ़िए से लागलक, मुदा उ बेरा भी लालू सीताराम और बसंती के कहूँ नहीं दिसलक। पाछे उकर घर जाए के सीताराम पूछलक सेखन उ अपन बीमारी कर बहाना बनाए देलक। सीताराम उकर नहीं आवे कर कारण समझ गेलक आर कोनो नहीं कहलक। कोनो नियत दसई परब का छुट्टी गुजरलक। सीताराम और बसंती कॉलेज खुले कर एक दिन बाद पहुँच रहे, मुदा लालू एक दिन आगे ही पहुँच जाए रहे। अब बसंती अपन भाई कर संगे लालू कर हॉस्टल चल जात रहे। पढ़ाई लिखाई में लालू दुयो जन कर बेस सहायता करे लागलक। लालू भी कहियो कखनो सीताराम का डेरा जाए लागलक, कखनो हुए से खाए के पी के आवत रहे। एहे बीच गुल सुनालक कि सरकार सब जमीन कर जमींदारी ले लेवी। सब पुरनिया मन के ई बात सुनय और हंसय, कहें भलाई कानियर होवे पारी, आजा पुरखा कर अर्जल जमींदारी के हर देवी और सरकारों का नियर लेवे पारी। कृपालो सिंह कर कान में बात गेलक और वो कहलें ई कोनो छर्मत आदमी कर कहल सुनल बात है के भला हम अपन जमींदारी के जे हमार आजा पुरखा परिया से चलते आवत है से के का नियर सरकार के एक बारगी दे देमू और का नियर ले लेवी। और जे सरकार ई बात के नहीं जानेला जे मूर्ख नियर काम करत है और ऐसन कानून काले बनाई, अगर जे सरकार ऐसन कानून बनाबो करी हले हम गोड़ हाथ धर के बैठल रहब, हमर रहते केकर मजाल है जे हमर जमींदारी के लेवे आवी और कुशल मंगल हियाँ से घुर जाए। तनिको दिन नहीं बीतलक कि सगरो डुगडुगिया बाज गेलक कि सब जमींदार के अपन जमींदारी सरकार के देवे पड़ी और उकर ले फलना तारीख तक सब जमींदार मन के अपन अपन जमींदारी कर बारे में फार्म भर के सरकार कर ऑफिस में देवे है। जे जमींदार उ तारीख तक ऐसा नहीं करी हले उ दिन से फार्म भरे खबर देल दिन तक रोज 50 रुपया के हिसाब से जुर्माना देवे होवी। ई खबर के सुन के कृपाल सिंह घबराए गए और बुझे समझे के लिए अपन वकील ठिन रांची पहुँच गए। वकील साहब कहलें कि नहीं बात तो सच है कि जमींदारी के तो सरकार लेबे घली, कानून सरकार कर हाथ में है और केव कोनो करेक नहीं पारी। कुशल एहे में है कि रौरों अपन जमींदारी कर हिसाब फार्म भर के चटपट दे के निमराए दो, देरी करल से हर्जा होई। भला जे वकील बड़का बड़का मुकदमा में जुगत सलाह दे के देते आए रहें का नियर ऐसा झूठ सलाह देवे, से बात तो कृपाल सिंह कर मन में घर कर गेलक। मुदा कौन नी कौन जबाना कर अपन पुरखा मन कर अर्जल जमींदारी के हड़बड़ाए के सरकार के काल के जिम्मा लगाए देवे, ये बात सोच के उतनी सक पकालें, मुदा आखिर तक देखे कर बात सोचलें। गर्मी का छुट्टी में सीताराम गाँव आलक, कृपाल सिंह जमींदारी के सरकार कर लेवे कर नया वृत्तांत के सुना लें। ये बात तो एकदम सच है के इकर लगिन सरकार कानून बनाए ले, कोनो जमींदार कानून कर लंबा हाथ से नहीं बाँच सकेला। आज कर समय बदलते जाते, सरकार गोटा देश कर और आदमी कर बारे में सोचेला, हमरे तो खाली अपन बारे में सोचिला। खेती के सुधराएक और समाज के एक खास स्वरूप देवे के लिए पहल जमींदारी के खत्म करे के लिए सरकार सोचलक। हमरे मन के अपन बट से ई काम में सरकार कर सहायता करे के चाहिए, अनकर भरोस में कतना दिन अपन पसरल खेती बाड़ी के रूरे समरा, आप अनक भरोस में रह छोड़ू। एहे में हमर भलाई है, हमरे कहियो नहीं जान ली कि खेती बाड़ी का तेर करल जाएला, हमर खेती बाड़ी कतना और कहाँ कहाँ है हमरे के एखनो पता न के। जरूरत कर मुताबिक आदमी मन कर जगह जमीन और जायदाद होवे के चाहिए, उकर से बगरा राखे कर मतलब होवेला दोसर कर हिस्सा के सुमट के अपन जगन राखे। सीताराम कर ऐसा बात सुन के कृपाल सिंह हरकत में पड़ गए, भलाई के कहाँ से अपन गोड़ में टांगा मारे बुध हो गलक, हो सकेला एकर पढ़ाई लिखाई करी प्रभाव है के। उ कहलें तोय का जाने गेले जमींदारी हमर पुरखा मनक कतना जतन से अर्जल चीज है के, उतने जतन से हम हो के चलाही इके राखे कर चलाए हमर धर्म है के। हम हो एक धाव तो देखिए ताखब कि सरकार का नियर ऐसा जुलम करे पारी, अगुआ
अगुवाइक और देशभक्ति कर कोनो काम नखे एखन हमके। देखू बाबा, सरकार से उसने बराबरी कर बात रौरे नहीं सोच सकीला, जैसन गंवैया मन रौरे से बराबरी कर बात नहीं सोच सकेना। रौरे के हमार सलाह यहे है कि ई काम में अगुवाई के दोसर मन के डहर देखो, यहे में हमार गुजर भी है। हमके भी अपन हक और जायदाद के दोसर के झोरा में देवे के लिए नगद नहीं बुझाते, मुदा देश और जनता ले हमरे के भी सोचे के चाहिए। ई नियर ख्याल रखल से सरकार कर ई काम में सहायता देवे उमदा बुझाएला। अपने तो देवल अपने से देवल बढ़िया होवी, अगर जे सरकार जब रही जमींदारी के ले लेवी, हल हमरे कर का इज्जत रही। इकर में बगरा सोचे कर बातें नखे, सरकार जे जमींदारी लेवी उकर बदला में वो बोंड कर रूप में दाम भी तो देवत है। वाह रे बाबू वाह, जमींदार कर बेटा होए के देश और नेता मन कर नियर बात करत ही। तो के कॉलेज में पढ़ा ली तो हम कहें तो हैं सिखापन कर बात कहत हीस। अगर जे सरकार जमींदारी लेवी उकर दाम नगद दे तक, हल तो एक ठो बातो रहे। सरकार तो देवी बोंड, जेकर रुपया का जानी कहियो देवी कि नहीं देवी। एखन का उ बोंड के ले के हमरे चाटब, हमर जरूरत का चीज हमरे का नियर पूरा करब। बाबा हमर पढ़ल से हमके इतना तो बुझ होलक कि हम अब दो देश और जनता कर भलाई के बारे में सोच सकीला। जे देश कर सब आदमी कर अपन अपन कर्तव्य है। बोंड देवे कर पाछे हों सरकार जमींदार मन कर और देश कर हालत और जनता कर बारे में सोच है। बगरा जमींदार इतना बुद्धिगर न खाएं जे एक धाव पढ़ल पावल और बगरा रुपया पैसा के जुगत से लगाए के खर्च कर में और आवेक वाला दिन ले बचाए के रख में। इकर संगे अगर एक धाव सौ जमींदार मन के रुपया पैसा मिल जाए, हल अचक्के देश में रुपया पैसा कर बाढ़ आ जाए और सौ चीज कर दामों बढ़ जाए, तले तो होलक देश कर विकास और हमरे कर दिकदारी हो। जे हो मुदा हम तो हवा का रुख देखिए के काम करब। गर्मी छुट्टी बिताए के सीताराम और बहिन उकर बहिन रांची घुर गए। दुयो झन चिहुट से पढ़े लागल, उमन के विश्वास हो गए कि अब उमन जमींदारी उमन का जमींदारी तो जाबे घली और अपने हो मन पढ़ लिख के अपन इज्जत के सम्भराए पार गए। अब बड़ आदमी ओहे कहाई जे पढ़ल लिखल रही और उकरे मुताबिक बढ़िया और बड़ काम करी। आखिर जे तारीख तक जमींदारी के सरकार के जिम्मा देवे के रहे से बीत गए। उ बीच बीच में कतना जमींदार मन सरकार के अपना जमींदारी जिम्मा लगा दिल और निमर गए, मुदा कृपाल सिंह अपन गुमान में रह गलक। एक दिन उकर जगन सरकारी नोटिस आलक, उ बेरा तक अपन जमींदारी के सरकार के नहीं दे रहे। से ले आप जखन तक वो अपन जमींदारी के सरकार के नहीं देवे, रोज 50 रुपया कर हिसाब से जुर्माना देवे के हुई। अब वो का करें, जमींदारी कर कागज पत्र के ले के कृपाल सिंह रांची कूदलें। फिर अपन वकील से सलाह ले ले लें, मुदा ओहे पुरना बात की देरी ना करूँ, जल्दी अपन जमींदारी के सरकार के दे दूँ। का करें, हायर माइन के 500 रुपया जुर्माना भी दे लें और जमींदारी भी गलक। अब उनकर मन में एक रकम कर भय समाय गेलक। उ सोचे लागल कि जमींदारी तो गेलक, हमर हुकुम भी संगे चल गेलक। अब हमके कौन हर हमर रैयत हमर बात के सुनी, हम भी सरकारी रैयत और हमर रैयत भी सरकारी ऑफिसर हमर और रैयत मन कर ले एके हो गए। बकरी कर मरम्मत और बाचल खेती बाड़ी का नियर चली, यह नियर बीतल जमींदारी कर सपना के गुन के आप अपने हैं बेगर गोड़ हाथ कर गतर भर समझे का अपने के लागल हैं। उनके एक ठो सोच घेर ले रहे का लखे आगे कर काम चली, मुदा संगे एक ठो भरोसा रहे कि मझियस और रैती जमीन मन मिला के एखनों करीब 200 एकड़ जमीन है। सोचलें सच बात ई है कि आप जमींदारी ठाठ से काम नहीं चली। गंवैया मन जखन सुनलें कि कृपाल सिंह अपन जमींदारी के सरकार के दे दिलें, से खन उमन के बुझाए लागलक कि आप उमन कर बढ़िया दिन आवे वाला है। उमन अपने अपने में कहें, आप का समझ के कृपाल सिंह हमरे मन से बैठल बेगारी करवाई, सरकार कर जैसन उ रैयत है हमरे हों ऐसने रैयत। आप उनके बुझाए कि प्रजा कर जिंदगी जिये से का नियर लागेला। आप उ अपन देवड़ी के सिंगराय के रखो के उहर उनकर बटे हुल के भी नहीं जाए। तो आज हमरे पढ़ ली चक्री उपन्यास कर भाग 3। आज ले इतने, धन्यवाद।